नमस्कार, जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। और जो अभी मुझे जानकारी मिल रही है, 12:45 पर रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में रख दिया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त हमको मिल रही है 12:45 पर, यानी कि 2 घंटे बाद, ठीक 120 मिनट बाद। ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि सालों साल का संघर्ष, 500 सालों का संघर्ष, और आखिरकार वो घड़ी बस कुछ ही क्षण दूर, 120 मिनट 2 घंटे बाद, 12:45 पर रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में रख दिया जाएगा। इसके अलावा कल रामलला की, आप सभी जानते हैं, प्रतिमा जो है वो राम मंदिर के जो जन्म स्थान वाला जो परिसर है वहां पर लाई गई, और अब से 2 घंटे बाद वो शुभ अवसर, वो शुभ घड़ी, जिसका इंतजार 140 करोड़ भारतीय नहीं, पूरी दुनिया कर रही है। हम लोग इस वक्त अयोध्या में हैं, राम की पैड़ी पर हैं, विशेष मेहमान हमारे साथ हैं, अद्भुत माहौल है, और यकीन मानिए पूरी अयोध्या में पूरा भारत है। और बार बार जिस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है कि पूरे भारत को सनातन के सूत्र में पिरोने वाला ये प्रभु राम का मंदिर, सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा उदाहरण प्रभु राम का मंदिर। यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, मुझे बताया गया शुरुआत में कि राम की चौपाई से क्यों ना शुरू किया जाए आज का शो। क्या नाम है आपका? मैं कवि उमेश उत्साही, जयपुर से हूँ। अच्छा जी, राम कथा लिखी है और राम कथा के साथ मैंने राम मंदिर को लेकर के एक नई कविता लिखी है। सुनाइए ना फिर। बिल्कुल सुनाता हूँ मैं, पर आप मुझे रोकेंगे नहीं। जी सुनाइए। कि सदियों से बाकी था जो पूरा हुआ काम जी, सदियों से बाकी था जो पूरा हुआ काम जी, राम जी को मिल गया राम जी का धाम जी, राम जी को मिल गया राम जी का धाम जी। बलिदानी कार सेवकों को है प्रणाम जी, उनके माता पिता प्रेरकों को है प्रणाम जी, जो भी राम भक्त आया राम जी के काम जी, जो भी राम भक्त आया राम जी के काम जी, कोटि कोटि राम भक्तों का उन्हें प्रणाम जी, कोटि कोटि राम भक्तों का उन्हें प्रणाम जी। राम धुनी गा रहा है आज सारा देश जी, राम धुनी गा रहा है आज सारा देश जी, आज राजा राम जी का है गृह प्रवेश जी, मंदिर निर्माण राम से तू जैसा काम जी, मंदिर निर्माण राम से तू जैसा काम जी, हर एक ईंट पे लिखा है राम नाम जी, हर एक ईंट पे लिखा है राम नाम। और मंदिर की भव्यता दिव्यता का दर्शन करिए, मंदिर निर्माण राम से तू जैसा काम जी, हर एक ईंट पे लिखा है राम नाम जी। विश्वकर्मा शिल्पियों ने कलाएं बिखेर दी, विश्वकर्मा शिल्पियों ने कलाएं बिखेर दी, पत्थरों पे राम जी की लीलाएं उकेर दी, पत्थरों पे राम जी की लीलाएं उकेर दी, पत्थरों पे राम जी की लीलाएं उके। और जिसके लिए चर्चा कर रहे थे अमन जी, रामलला आज उस परिसर में जा रहे हैं, तो रामलला, हाँ रामलला बालक का अद्भुत स्वरूप है, रामलला बालक का अद्भुत स्वरूप है, रामलला बालक का अद्भुत स्वरूप है, अगुण अरूप ब्रह्म सगुण स्वरूप है, अगुण अरूप ब्रह्म सगुण स्वरूप है। और पंक्ति कहता हूँ, घट घट, दो पंक्तियां कहने दो, कि घट घट वासी अजय अविनाशी राम जी, घट घट वासी अजय अविनाशी राम जी, हो गए अयोध्या वासी वनवासी राम जी। राम जी हमारे राजा जानकी महारानी है, राम जी हमारे राजा जानकी महारानी है, अयोध्या जी देश की सनातन राजधानी है, अयोध्या जी देश की सनातन राजधानी। बहुत बहुत धन्यवाद।